चलो बेटा मैं जा रहा हूँ तरबूज बेचने, तुम घर की देखभाल करना। सुनो बच्चा, आज तुम घर से बाहर अपना ठेला लेके मत जाओ, तुम्हारे बेटे के ऊपर संकट मंडरा रहा है। अरे बाबा ये कैसी बात आप कर रहे हैं, अगर मैं ठेला लेके नहीं जाऊंगा तो आज सब मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बच्चा जैसा मैं भविष्य देख पा रहा हूँ, अगर तुम ठेला लेके घर से बाहर गए तो तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी। अरे बाबा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, बाबू तुम अच्छे से घर की देखभाल करना। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भाई साहब रुकिए, तरबूज कैसे दे रहे हैं? अरे मैडम जी 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? मुझे तो 50 किलो चाहिए था, ये तो 50 किलो लग नहीं रहा है। अरे मैडम जी 50 किलो आपको मिल जाएंगे, वो सामने रही मेरी झोपड़ी, आप वहाँ पे चले जाइए, मेरा बेटा आपको तोड़ के दे देगा। अरे लगता है लड़का घर पे अकेले है, इसको मार के सारा पैसा चुरा लेता हूँ। अरे कोई आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा। अरे रुको ये तुमने क्या किया? अरे यार मैडम मेरे को 50 किलो तरबूज चाहिए, मेरा बेटा अकेले दे नहीं पाएगा, एक काम करता हूँ मैं चल के दिलवाता हूँ। अरे ये कैसा यहाँ पे पड़ा है? अरे बेटा तुझे क्या हुआ? अरे इसको किसने मार दिया? लगता है उसी औरत ने पैसे के चक्कर में इसको मारा है। अरे बाबा बाबा आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, जैसे ही मैं गया मेरे बेटे को किसने मार दिया। क्या किसने मारा होगा तुम्हारे बच्चे को? अरे बाबा एक औरत आई थी तरबूज खरीदने, मुझे लगता है उसी ने मारा होगा। रुको बच्चा मैं देखता हूँ खून करने वाला कहाँ गया। ए भिखारी लोग खून करके भागता है, खून करके भागता है, चलो उठ। इसने देख लिया इसको भी मारना पड़ेगा। छोड़ मुझे जामर। ये तो अनहोनी हो जाएगी, मुझे कैसे भी करके इसे रोकना पड़ेगा। अरे क्या हुआ बाबा मुझे भी कुछ बताइए। बताना क्या, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। अरे ये लड़की, मैंने तो सोचा इसी लड़की ने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन इसको किसने मार दिया? बच्चा तुम्हारे बेटे को इस लड़की ने नहीं मारा है, भिखारी ने मारा है और भिखारी ने इसको भी मारा है। अरे बाबा मेरी एक गलती की वजह से दो दो जाने चली गई, आप कुछ करिए बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। ठीक है बच्चा मैं समय को पीछे करता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें ठेला जाने से पहले रुकना पड़ेगा। ठीक है बाबा। बाबू मैं जा रहा हूँ तरबूज बेचने, तुम घर का ख्याल रखना। सुनो बच्चा ये तरबूज सारा कितना रख दोगे? बाबा सारा तरबूज ये 500 रुपए का। ठीक है बच्चा, अगर मैं 500 रुपए दे दूंगा तो सारा तरबूज मुझे दे दोगे? हाँ बाबा क्यों नहीं, मैं सारे तरबूज आपको दे दूंगा। बेटा बोरी लेके आओ। भैया कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है ये लो। ये लो बच्चा। बेटा सारे तरबूज तो आज खत्म हो गए, अब मैं मार्केट बेचने क्या जाऊंगा। अरे भाई साहब रुकिए, आपके पास 50 किलो तरबूज मिल जाएगा क्या? हाँ मैडम जी मिल जाएंगे, चलिए आपको खेत से तोड़ के देता हूँ। एक गलत कदम हमारी पूरी जीवन रेखा बदल सकती है।